सैंडविच वाली ब्रेड ही क्यों लेनी है, क्योंकि फिर वो छोटी साइज में आएगी, सैंडविच अच्छे से शेप में बन नहीं पाएगी, इनके ऐसे कटिंग करेंगे तो फिर अच्छे से हो नहीं पाएगी, फिर उन्हें चौकोर साइज में अपन कट करेंगे, क्योंकि जो सैंडविच बनाते हैं इसमें ये जो ये पार्ट होता है ना वो भी अपन कट करते हैं। आप ये इन्हें फेंकेगा मत, बच्चों के दूध में मिलाकर दे सकते हो, हलवा बना सकते हो, तो इन काम में ये ले सकते हैं, या जैसे अपन रोटी को रोटी का तड़का लगाते हैं ना उसमें भी अपनी ये काम में ले सकते हैं। तो सैंडविच के ये चारों भाग ऐसे आपको कट कर लेना है, एक साथ आप लेयर लगाकर फिर भी कट कर सकते हो। और ये देखिए सैंडविच कट हो गई है, आप ऐसे खाना चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, या ऐसे इसका शेप कट करना चाहोगे इसे बीच में से तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेयोनीज सॉस लिया है, आप वो लगा सकते हो, अगर आपके पास मेयोनीज सॉस नहीं हो तो लीव कर सकते हो, टोमेटो सॉस भी लगा सकते हो, या रेड चिली सॉस आता है वो भी लगा सकते हो। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी फ्रेश पुदीने की पत्ती है, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हो। और ये जो मोटी मिर्ची आती है वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होती है, छोटी अगर लेंगे ना तो क्या होगी वो स्पाइसी होगी। और इन सभी को ग्राइंड कर लेंगे इन दोनों। यहाँ पर मैंने दो टाइप के टमाटर लिए हैं, एक तो ये गोल्ड टमाटर आता है, एक ये सलाद वाला लंबा सा टमाटर आता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो अंतर मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखिए मैं इसे ऐसे कट कर रही हूँ इस शेप में, तो क्या होगा कि इसमें ऐसे पानी ज़्यादा निकलेगा, ये जो पानी निकल रहा है ना दिख भी रहा होगा आपको, और ऐसे फिर पानी पानी हो जाएगी सैंडविच में। तो अपन क्या करेंगे और ये सलाद वाला लेंगे, इसमें देखिए पानी नहीं निकलता है और थोड़ा मीठा भी होता है और टेस्टी भी लगता है, इसलिए आपको आपके पास पॉसिबल हो तो आपको ये सलाद वाला टमाटर लेना है। अगर आपके पास गोल वाला टमाटर है तो फिर इसका ये जो पानी है वो निकाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा भी होता है। और अपन सैंडविच में ये जो सलाद वाला टमाटर है ना वही यूज में लेते हैं, और इसे इस शेप में कट कर लेंगे गोल गोल शेप में। एक बार जिस शेप में आप कट कर रहे हो सारी वेजिटेबल आपको उसी शेप में कट करनी है, चाहे फिर आप छोटी साइज में कट कर रहे हो तो सारी वेजिटेबल आपको छोटी साइज में कट करनी है, इस शेप में कट कर रहे हो तो सारी वेजिटेबल इसी शेप में कट करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्ता गोभी को कैसे कट करें, ये देखिए थोड़ी सी मैंने पत्ता गोभी कट कर ली है, क्योंकि मैं अलग अलग टाइप की 6-7 टाइप की सैंडविच बना रही हूँ, तो मैं ये दो दो सैंडविच में ही ये मसाला भरूंगी। और इसमें भी ऐसे लंबी लंबी स्लाइस में कट करना है, ये देखिए ऐसे लंबी लंबी स्लाइस में ही कटोगी, क्योंकि अपन ने टमाटर लंबी स्लाइस में कट किए हैं। टमाटर कट कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने ये प्याज उसी शेप में कट किए हैं गोल गोल साइज में, चाहो तो आप इनकी एक एक ऐसे लेयर निकाल सकते हो और ऐसे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। पत्ता गोभी अपन ने कट कर ही ली है, बॉईल की हुई यहाँ पर आलू है उन्हें भी मैंने बिल्कुल गोल साइज में ही कट किया है, और शिमला मिर्च को भी अपन ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में कट करेंगे, ये थोड़ी सी ऐसे टूट सी गई है, वरना ये बिल्कुल ऐसे गोल मटोल सी है। थोड़ी सी मैं यहाँ पर ये हरी चटनी ऐड कर रही हूँ, इस पर ये सलाद वाले टमाटर की स्लाइस लगाएंगे, और ये शिमला मिर्च इन पर लगाएंगे, ऑनियन की स्लाइस, थोड़ी सी पत्ता गोभी की स्लाइस, आलू जिन्हें अपन थोड़ा सा ऐसे मैश कर लेंगे। आप फ्राई किए हुए आलू भी ले सकते हो, या ऐसे बॉईल किए हुए आलू भी आप ले सकते हो। ऊपर से थोड़े से 3-4 मटर ऐड कर सकते हो अगर आपको पसंद हो तो, ये बॉईल की हुई मटर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पर थोड़ी सी गाजर भी ऐड करूँगी उसी शेप में गोल गोल शेप में कटी हुई है, ये ऐसे लगा देंगे। तो ये देखिए अपनी बरवा बिल्कुल बरवा सैंडविच तैयार हो जाएगी, और इन्हें आप ग्रिल करेंगे। मसाला आलू का भी भर सकते हो, पनीर से ये जो चीज़ का आता है आप वो भी भर सकते हो, लेकिन अपन यहाँ पर बिल्कुल वेज वाली बना रहे हैं। ये जो मेयोनीज सॉस मैंने ऐड किया है उसे आप लीव कर सकते हो अगर आपके पास ना हो, पुदीने की जो चटनी होती है उससे भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन आपको हरी मिर्च शिमला वाली लेनी है, कैप्सिकम लेनी है, क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होती है, सैंडविच का टेस्ट बढ़ा देती है। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें लेनी है जो इसका टेस्ट बढ़ाएगी, सलाद वाले टमाटर, शिमला मिर्च, तो इन चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है। और वेजिटेबल कोई सी भी ऐड कर सकते हो, चुकंदर ऐड कर सकते हो थोड़ी सी, और शकरकंदी आ रही है वो ऐड कर सकते हो तो ये और ज़्यादा अच्छी लगेगी। मेरे वाली मेरे पास मशीन है, अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप इसे तवे पर भी सेक सकते हो, इसमें एक साथ में 2 रख सकती हूँ, इसलिए मैंने पहले 2 ही बनाई है, और इन्हें बंद करके गरम करेंगे। अगर आप बटर लगा कर खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इसमें बटर लगा सकते हैं, दोनों सैंडविच पर थोड़ा सा अपन बटर लगा देंगे।
मैं क्या है थोड़ा इसे बटर थोड़ा इसे लेवी करते हैं सुबह सुबह जब अपन खाते हैं, लेकिन बटर लगाने से और ज्यादा टेस्टी लगती है। और थोड़ी देर बाद में चेक करेंगे, एक बार इन्हें पलट देंगे। आप ऐसे चपटा वाला कोई चमचा ले सकते हो और इसे ऐसे करके पलटेंगे, ऐसे करके दोनों को चेंज कर लेना है। और इस पर दूसरी साइड भी अपन बटर लगाएंगे। आप पहले भी लगा सकते हो, इसे ग्रिल करने से पहले भी ग्रिल भी कर सकते हो, लेकिन मैं हल्की से ऐसे कुरकुरी ही खाती हूँ। और ये देखिए अपनी सैंडविच बनकर तैयार हो चुकी है। अभी इसे शेप में कट करेंगे, इन्हें बीच में से ऐसे कट कर लेंगे। ये लीजिए अपनी टेस्टी सी सैंडविच बनकर तैयार हो चुकी है। मज़ा आ जाएगा आपको इस मसाले वाली सैंडविच खाकर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सरोज शर्मा मिलती हूँ एक ऐसी नई रेसिपी और एक नए टेस्ट के साथ।